अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम वी हैड वी हैड अर्यर डन दैट देयर आर टोटल नाइन प्लेसिज इन इंडियन सिस्टम एंड फोर पीरियड्स दैट इज वंस थाउजेंड लैक करोड़ ठीक है तो फोर पीरियडस है और नाइन प्लेसेज हैं वंस पीरियड में थ्री प्लेसेज आएंगी वंस टेन्स हंड्रेड थाउजेंड पीरियड में टू प्लेसेज आएंगी थाउजेंड टेन थाउजेंड पीरियड में टू प्लेसेस लैख टेन लैख करोड़ जो पीरियड है उसमें भी टू प्लेसेस आएंगी करोड़ एंड टेन करोड़ सो टोटल देयर आर नाइन प्लेसेस ओके एंड इफ एनी नंबर इज रिटर्न लाइक दिस अगर कोई नंबर लिखा है फॉर एग्जाम्पल फाइव वन कॉमा जीरो एट कॉमा जीरो सेवन कॉमा जीरो जीरो फोर इस नंबर को बेटा हमने इसका इसको कन्वर्ट करना है नंबर नेम में वी हैव टू राइट डाउन द नंबर नेम तो नंबर नेम लिखने से पहले क्या करेंगे हमने यहाँ पे क्या देनी है प्लेस देनी है वर्कशीट टू में हमने करोड़ प्लेस तक पढ़ा था लेकिन यहां वर्कशीट थ्री में टेन करोड़ तक हम पढ़ रहे हैं ठीक है नाइन डिजिट्स हैं टोटल कितने डिजिट्स हैं नाइन डिजिट्स हैं क्लियर सो बाकी जो पैटर्न है बेटा वो सेम रहेगा अब तक जो भी रिवाइज किया है हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं सिर्फ एक प्लेस इंक्रीज हो गई है एक प्लेस बढ़ गई है पहले करोड़ तक हम पढ़ रहे थे वर्कशीट टू में अब टेन करोड़ यानी कि नाइन डिजिट हो गई सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव द प्लेसेस टू दीज नंबर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैख करोड़ एंड दिस इज टेन करोड़ नाउ वी कैन इजिली रीड दिस नंबर एंड वी कैन राइट दिस नंबर हम इजिली इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं तो यहां से पढ़ते हुए इसको हम लिखेंगे वट इज रिटर्न हेयर फिफ्टी वन करोड़ ठीक है एक पीरियड में आ रहा है दैट मीनस एक ही बार इसको हमने लिखना है करोड़ एक ही बार ही लिखा जाएगा अलग अलग आपने नहीं लिखना फिफ्टी वन करोड़ सो दिस बिकम फिफ्टी वन करोड़ जीरो एट है दैट मीन्स यहां पे टेन प्लेस जो है यानी कि टेन लैक वाली प्लेस वो मिसिंग है सिर्फ जो आएगा आपका एट लैक आएगा ओनली एट लैक यानी कि एट लैक क्लियर नाउ टेन थाउजेंड वाली प्लेस पे मिसिंग है छोड़ देंगे अगला क्या है थाउजेंड प्लेस पे क्या है सेवन सो दिस बिकम सेवन थाउजेंड हंड्रेड प्लेस भी मिसिंग है टें प्लेस भी मिसिंग है लास्ट में फोर है तो फोर लिख देंगे क्लियर लाइकवाइज यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन क्लियर स्टूडेंट्स इसी तरह से होंगे बेटे फर्दर जो भी क्वेश्चन है आपके ठीक है तो अब एक बारी हम वर्कशीट फोर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं डेट इज इंटरनेशनल सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम देयर आर थ्री पीरियड्स ठीक है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग थ्री पीरियड है और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर थे और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक पीरियड में टू प्लेसेज आ रही थी वंस पीरियड को छोड़ के ठीक है बाकी जो भी पीरियड है उसमें टू प्लेसेज आ रही थी लेकिन इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसमें हर एक पीरियड में थ्री प्लेसेज आएंगी ठीक है वंस में तो यही रहेगा वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड में आएगा आपका थाउजेंड टेन थाउजेंड उसके बाद इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां लैक आना चाहिए लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हंड्रेड थाउजेंड आएगा तो यहां से आपका एक रिलेशन भी निकल के आता है बेटा कि वन लैक इक्वल टू हंड्रेड थाउजेंड यही हो रहा है ठीक है अगर इंडियन सिस्टम की बात करूं टेन थाउजेंड के बाद लैक आता है लेकिन यहां टेन थाउजेंड के बाद हंड्रेड थाउजेंड आ रहा है यानी कि वन लैक किसके इक्वल आ रहा है हंड्रेड थाउजेंड के ये इंडियन सिस्टम है ये इंटरनेशनल सिस्टम है दोनों की दोनों जो प्लेसेस है वो तो सेम ही है है ना प्लेसेस में तो कोई डिफरेंस नहीं है क्लियर स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को समझिए प्लेसेस में कोई डिफरेंस नहीं है ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है और ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है अदरवाइज दोनों की दोनों जो प्लेसेस हैं वो सेम है एक दूसरे के इक्वल है क्लियर और इससे अगली जो प्लेस है बेटा यहां पे जो टेन लैक वाली प्लेस है तो टेन लैक की प्लेस पे आ रहा है मिलियन तो यहां से भी आपका एक रिलेशन निकल आता है कि टेन लैक इक्वल टू वन मिलियन सिर्फ मिलियन लिखा दैट मीनस वन मिलियन क्लियर यानी कि टेन लैख किसके बराबर आ रहा है मिलियन के बराबर आ रहा है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग टेन लैख और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलियन क्लियर दोनों रिलेशन क्लियर है आपको उसके बाद टेन लैख के बाद आता बेटा करोड़ ठीक है और यहां पे क्या आ रहा है यहां पे आ रहा है टेन मिलियन करोड़ की जगह क्या आ रहा है टेन मिलियन तो ये भी एक रिलेशन बन गया कि वन करोड़ इक्वल्स टू टेन मिलियन ठीक है यानी कि वन करोड़ टेन मिलियन के इक्विवेलेंट है इक्वल है क्लियर इसी तरह से एक रिलेशन और आ जाएगा टेन करोड़ किसके बराबर आ रहा है हंड्रेड मिलियन के बराबर आ रहा है सो टेन so, करोड़ इक्वल टू हंड्रेड मिलियन सो बेसिकली वट आर दीज ये आपके जो रिलेशन है बेटा ये आपको मेमोराइज करने हैं लेकिन समझ के मेमोराइज करने हैं ठीक है समझ के आपने इसको दिमाग में रखना है ठीक है आपने यहां पे देख लिया मैंने किस तरह से प्लेसेस को कंपेयर किया आप भी इस तरह से प्लेसेस को कंपेयर करके इस तरह रिलेशन बना सकते हो एक दो बारी आप इसको करोगे आपको लर्न हो जाएगा कि वन लैख टेन थाउजेंड के इक्वल है सॉरी हंड्रेड थाउजेंड के इक्वल है टेन लैख वन मिलियन के इक्वल है वन करोड़ टेन मिलियन के इक्वल है और टेन करोड़ आपका हंड्रेड मिलियन के इक्वल है तो ये आपको धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगी चीज ठीक है सो नाओ लेट्स मूव ऑन टू द वर्कशीट फोर वर्कशीट फोर का हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया है नाउ वी विल मूव ऑन टू द वर्कशीट फोर सो लेट्स स्टार्ट नाउ वर्कशीट फोर वर्कशीट फोर में एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू ले रही हूं मैं राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोविंग नूमरल बेसिकली बेटा जो ये क्वेश्चन नंबर वन है ये आपका क्या है इसमें सिर्फ आपने क्या करना है कॉमा से सेपरेट करना है ठीक है आपको मैंने क्या बताया था कि एक पीरियड में थ्री प्लेसेस आ रही हैं तो आपने हर एक थ्री डिजिट के बाद एवरी थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगाना है बस और कॉमा लगाना आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे राइट से नहीं स्टार्ट करना लेफ्ट से जो लास्ट में बच गए वन या टू वो बच जाएंगे लेकिन यहां स्टार्टिंग से आप थ्री डिजिट्स लेंगे फिर थ्री डिजिट्स लेनी है समझ में आ रही है बात तो एक एक दो क्वेश्चन हम इसके भी ट्राई कर लेते हैं चलो क्वेश्चन नंबर वन ही हम ट्राई करते हैं री राइट द फॉलोइंग न्यूमरल यूजिंग कॉमास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ठीक है जो भी नंबर लिखा है फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एफ पार्ट ले रही हूं ठीक है एफ पार्ट आपको गिवन है सिक्स सेवन जीरो वन फाइव सेवन टू वन थ्री अब आपको क्या करना है बेटा कॉमा लगा के इसको सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ठीक है ये वर्ड लिखे ना यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम क्लियर सो वट आई विल डू थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा इधर भी थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा ठीक है तो थ्री थ्री डिजिट्स के बाद आपने कॉमा लगाना है इसमें सिर्फ आपने यही करना था और ये अप टू अपन करोड़ वाली प्लेस है जो लास्ट प्लेस है वो टेन करोड़ है अगर आप इसको वन से प्लेसेस देना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा सिक्स जो है वो टेन करोड़ की प्लेस पे आ रहा है क्लियर क्वेश्चन नंबर टू देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर टू इज दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने नंबर नेम में चेंज करना है ठीक है नंबर नेम में चेंज करेंगे आई एम टेकिंग द पार्ट आई पार्ट आई एम टेकिंग क्लियर आई एम टेकिंग द आई पार्ट सेवन फाइव थ्री कॉमा फोर फाइव एट कॉमा टू वन फोर मेरे पास ये नंबर है सबसे पहले इसको मैंने क्या करना है प्लेस देनी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम प्लेस देने के बाद मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको रीड करना इसको राइट करना क्लियर सो आई एम राइटिंग हेयर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड क्लियर नॉट लैक हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन आपकी यही चीज चलेगी यहां पे ना जैसे कि मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड ठीक है टेन के बाद हंड्रेड आना है और यहां पर भी टेन के बाद हंड्रेड आना है क्लियर तो इस चीज को आप माइंड में रखेंगे और अब हम हमने इसको क्या करना है रीड करना है और रीड करते हुए इसको हम लिखेंगे सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री मिलियन बेटा एक पीरियड में आ रहा है ये तो इसको इकट्ठा रीड करना है मैंने आपको बार बार ये बात पीछे भी बताई है कि जब भी एक पीरियड में कोई भी नंबर आ रहा है आपने उसको इकट्ठा रीड करना है और मिलियन आप एक बार ही लिखेंगे दो बार ही नहीं लिखेंगे सो दिस बिकम सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री मिलियन एक ही बारी मिलियन लिखना है आपने पूरा जो पीरियड है उसको एक ही बारी आप लिखेंगे सो दिस बिकम सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री मिलियन ठीक है तो ये एक पीरियड मैंने यहां पे लिख दिया नाउ फोर हंड्रेड फिफ्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एट थाउजेंड क्लियर फोर हंड्रेड फिफ्टी एट थाउजेंड पूरा पीरियड आपने एक ही बार लिखना है और ये वाला पीरियड भी आपका एक ही बार लिखा जाएगा टू हंड्रेड फोर्टीन टू हंड्रेड फोर्टीन क्लियर स्टूडेंट्स लाइक वाइज यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ठीक है जी पार्ट जी पार्ट आई एम टेकिंग टू सेवन वन कॉमा एट जीरो फोर जीरो वन जीरो ठीक है तो प्लेस देंगे सबसे पहले वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड दिस इज मिलियन Ten million, hundred million. Clear? Now we will read from here. Two hundred seventy one million. Two hundred seventy one million. Now eight hundred four thousand. Eight hundred four thousand. Eight. हंड्रेड फोर थाउजेंड नाउ हंड्रेड प्लेसेस मिसिंग हेयर ठीक है तो उसको अवॉइड करना है आपने आगे चलना है टेन आएगा लास्ट में ओनली टेन 10, क्योंकि हंड्रेड वाली प्लेस यहां पे मिसिंग है जीरो आ रहा है दैट्स वाई नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने क्या करना है बेटा आपको नंबर नेम गिवन है और आपने इसको नुमरल uh, यानी कि नंबर की फॉर्म में चेंज करना है स्पेलिंग लिखे हुए हैं आपने इसको किस में चेंज करना है नंबर की फॉर्म में डिजिट के फॉर्म में तो ई पार्ट देखिए ई पार्ट में आपको बता रही हूं नाइन हंड्रेड मिलियन मीन्स नाइन हंड्रेड मिलियन नाइन हंड्रेड के बाद और आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब जीरो जीरो लगाएंगे और कोमा लगा देंगे मिलियन है बेटा इमिजिएटली कॉमा आना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट पीरियड आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फिर नाइन थाउजेंड यानी कि हंड्रेड थाउजेंड भी मिसिंग है टेन थाउजेंड भी मिसिंग है तो जीरो जीरो लगाएंगे और थाउजेंड की जगह पे नाइन आ जाएगा नाइन थाउजेंड ठीक है तो नाइन थाउजेंड की जगह नाइन आ गया इससे पहले वाली प्लेसिंग तो मिसिंग है है ना वो वाली तो प्लेसेस मिसिंग है तो इसलिए हमने जीरो जीरो लगाया और उसके बाद हंड्रेड प्लेस भी मिसिंग है लास्ट में नाइन आ रहा है और टेंस प्लेस भी मिसिंग है फिर से कॉमा लगाया जीरो जीरो नाइन सी दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी एक पार्ट और देख लेते हैं जी पार्ट नाइन हंड्रेड थ्री मिलियन नाइन हंड्रेड थ्री मिलियन यानी कि कॉमा आएगा फिर फाइव हंड्रेड यानी कि यहां पे जो ये थ्री प्लेसेस हैं, थाउजेंड वाली ये मिसिंग है तो जीरो 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 देन कॉमा फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड कैसे आएगा फाइव जीरो जीरो क्लियर स्टूडेंट्स